अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की दाखिली सूरतेहाल देखें तो हमें लोगों के हवाले से बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, भूख है, बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की फरहमी है। वो ऐसे इश्यूज हैं कि क्राइसिस लाइक सिचुएशन है कि हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को इससे बचा के कैसे आगे लेकर जाएंगे। लेकिन बिगर पिक्चर जब भी पाकिस्तान के ऊपर नज़र डालें तो मैक्रो लेवल के ऊपर एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है अनएंडिंग, जो पिछले एक साल से चल रहा है और कहीं सेटल होने का नाम नहीं ले रहा। और उसके अंदर जो बड़े पिलर्स नज़र आते हैं जो आपस में टकरा रहे हैं, एक तरफ जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, दूसरी तरफ आपको इस्टेब्लिशमेंट नज़र आएगी, और तीसरा फ्रीक उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आएगी। अब PDM को अलहदा से फ्रीक के तौर पर मेरे ख्याल में इसको अभी मैं कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर जो ताकतवर रोल है इस वक्त वो या जुडिशरी का, मुख्तलिफ फैसलों से, 63A के फैसलों से उन्होंने सियासत का रुख नया मुतय्यन कर दिया, फिर इलेक्शन वाली जो पटिशन उन्होंने टेकअप की हुई है खुद नोटिस के तहत, उसके बाद एक नया क्राइसिस है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बैठ जाती है, दूसरी तरफ पार्लियामान बैठ जाती है, और दोनों सींग फंसा के बैठ जाते हैं कि ताकतवर कौन है, किसकी डोमेन है, किसकी नहीं है, उसके ऊपर मामला शुरू हो जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा तगड़ा फ्रीक जो है, जिसने गैर मुल्की साजिश का बयानिया उससे आगाज़ किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, फिर उस वक्त के आर्मी चीफ को मीर जाफर और मीर सादक करार दिया, फिर जलसे जुलूस और रैलियों के अंदर जिन अलकाबाज से मुख्तलिफ मिलिट्री सर्विंग ऑफिशल्स को पुकारा, वो इमरान खान ने सियासत में भी एक नए कहना चाहिए कि नए तरीक़ाकार का आगाज़ किया। माजी के अंदर भी मुख्तलिफ मौके के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को मुख्तलिफ नामों के साथ या मुख्तलिफ चीज़ों से, हेले बहानों से उनका तस्करा किया जाता था। नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में बराह रास्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम लेकर कहा कि आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन शायद किसी ने डर्टी हैरी कह के किसी सर्विंग जनरल को नहीं पुकारा होगा, किसी को मीर जाफर या मीर सादक कह के पाकिस्तान से गद्दारी की, ये किसी को इस तरह की तोहमत किसी पे नहीं लगाई होगी, लेकिन ये हुआ सारा कुछ पाकिस्तान में। अब हम यहाँ से पाकिस्तान को कहाँ लेकर जाएंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और बाज़ वक़्त तो ये एहसास होता है कि पाकिस्तान के ये जो सारे बड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या आर्मी चीफ हों या PDM से उनकी सीनियर क़्यादत हो, वज़ीर आज़म हों या ख़ुद इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हों, इनमें शायद उस चीज़ का भी इदराक करने की सलाहियत ही नहीं है, माजरत के साथ इन सारे लोगों से, कि पाकिस्तान किस बहरान से गुजर रहा है या लोगों की ज़िंदगियों में कितनी मुश्किल है, शाम को किसी के पेट में रोटी गई है कि नहीं गई है, जो इनकी ज़िम्मेदारी है इन सारे लोगों की। अल्लाह ने इनको बहुत बड़ी इज्जत दी है, बहुत बड़े अहदों पर बिठाया है और बहुत बड़ा नाम दिया। किसी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोलें तो ये अल्लाह ने बहुत बड़ी उसको इज़्ज़त नवाजी की, इज़्ज़त दी है, उसको इज़्ज़त अफजाई की है। इससे बड़ा काजी का अहदा है नहीं है मुल्क में, जितना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिलता है। मुसल्ला अफवाज की सरबराही किसी को मिलती है तो इससे ज़्यादा बड़ी इज्जत नहीं है। मुझे मालूम नहीं है ये माजी वाले हमारे जो आर्मी चीफ है एक्सटेंशन के पीछे क्यों भागते हैं। 3 साल का अहदा इतनी इज्जत देता है कि पाकिस्तानी फ़ौज का सिपहसालार बहुत बड़ी इज्जत है। इसके एक इशारे के ऊपर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में नौजवान अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करते हैं। 9/11 के वाक़ात के बाद देख लें तो कितने हज़ारों नौजवानों ने उसी ऑर्डर के तहत जो आर्मी चीफ देता है उसके तहत अपनी ज़िंदगियाँ निछावर करते हैं इस वतन के ऊपर। तो इससे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है, एक्सटेंशन वैक्शन की गेमों में मालूम नहीं कि क्यों पढ़ते हैं। लेकिन अब ये जो टसल है बिटवीन इंस्टीट्यूशन, एक तरफ चीफ जस्टिस बैठा हो सुप्रीम कोर्ट को चलाने की कोशिश कर रहा हो या अपना अख्तियार मनवाने की कोशिश कर रहा हो या उससे तजावज़ कर रहा हो, तीनों ऑप्शन पॉसिबल हैं, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट हो जिसको लगे कि नहीं ये चीज़ें ओवरस्टेप कर रहे हैं। और माजी करीब के अंदर एक नेक्सस मौजूद था, और वो नेक्सस क्या था, इधर साकिब निसार थे या आसिफ खोसा थे, उधर जनरल बाजवा थे और जनरल फैज़ थे, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और मुखालिफ फरीक के तौर पर PMLN थी। अब ये इक्वेशन पिछले साल अप्रैल से बदल गई है और इसी इक्वेशन की तब्दीली ने पाकिस्तान को इस बहरान से दुचार किया हुआ है। जिनका जो रोल नहीं था पिछले 4 साल उन्होंने पाकिस्तान को डोमिनेट करके उस तरीके से चलाया, अब वो असल रोल में जब भी लाने की कोशिश करेंगे तो जैसे पहले टूट फूट करके इस नए इक्वेशन को डेवलप किया गया था, दोबारा टूट फूट होगी। मैं बार बार एक खतरे का इजहार करता हूँ कि अगर इसके ऊपर कोई सुलझाव वाला रास्ता ना अपनाया गया तो ये जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, ये जो बड़े हैं, ये सारे चेहरे हमें आगे जाते नज़र नहीं आएंगे। इनमें से कुछ को मंजर से हटना पड़ेगा, फिर रास्ता मिलेगा। सिर्फ एक मुफाहमत का रास्ता है जिसको अभी तक कोई एक भी फरीक मुझे नहीं लगता कि खुश दिली के साथ अपना कर आगे चलना चाहता है। बातचीत के लिए अभी बैठे हैं PDM और PTI वाले, तो बेदिली से कोई बहुत ज़्यादा इस पर उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। अभी टकराओ 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 बस यही नज़र आता है और उसमें पाकिस्तान की बेहतरी नज़र नहीं आती मुझे। आज मरियम ने तकरीरें की हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जुडिशरी के हवाले से, मैं सुनवा के और उससे रेलिवेंट जो पिछले 4-5 साल में पाकिस्तान में हुआ कुछ चीज़ें आपको तो सवाल जवाब की सूरत में आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मरियम का पहला स्टेटमेंट जो है वो मौजूदा जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से दिखाएगा। नई जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए। कुछ चेहरे पुराने हैं, कुछ नए चेहरे बीच में शामिल हो गए और सबका आपस का इंटरेस्ट है। ये एक इवल नेक्सस है, जो गैंग है जिसका सरबराह सरगना इमरान खान है,
और जिसमें तरह तरह के पाकिस्तान का करप्ट तरीन जो शख्स उठा के देख लो वो इस गैंग में शामिल है, चाहे वो साकिब निसार हो या वो जनरल फैज हो या वो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी हो। आप देखो कि इसका हर हर बार इसकी सियासत नाकाम हुई तो बचाने के लिए वो 3 मेंबर बेंच आ गया। मसाइल जो पैदा हुए अभी रिसेंटली उसका जिम्मेदार वो कंट्रोवर्शियल सुओ मोटो नोटिस है जो जस्टिस एजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी ने लिया। इनको ये जल्दी है कि इनके होते होते इलेक्शन हो जाए वरना हमें इलेक्शन जिताने वाला कोई नहीं होगा। दूसरा वो सवाल करती है मौजूदा चीफ जस्टिस से, दिखाइएगा। मैं उमर अता बंदियाल साहब से ये पूछती हूँ, मैं 3 मेंबर बेंच से ये पूछती हूँ कि आप किसके लिए कर रहे हो? आप सिर्फ इसलिए जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन को आप कटहरे में खड़ा नहीं करते क्योंकि आपकी मेजोरिटी जो है वो कम हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में? आप इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे इस 3 मेंबर बेंच की, सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर बेंच है इनकी शहबाज शरीफ साहब से नहीं है, ये इनकी अगली तकरीरियां रोकने की है क्योंकि ये दोनों सब एक ग्रोह है जो ये समझता है कि अगर इनका बंदा ना आया तो इनको इनकी जो पूछगिछ है वो शुरू हो जाएगी। दो और आपको चीज़ें सुनानी है फिर मैं अपने मेहमानों की तरफ लाऊंगा। एक ऑडियो लीक हुई, एक से ज़्यादा ऑडियो लीक्स हुई हैं पाकिस्तान में, शायद सारा कुछ आजकल ऑडियो लीक्स के ऊपर ही चल रहा है। पहले उनके एक पीटीआई के लीडर की ऑडियो लीक जारी हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान से मिलवाने के लिए आपको पार्टी में पहले 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। चलें वो पार्टियाँ डोनेशन वगैरह लेती हैं, हमें उसमें कोई बहुत ज़्यादा झटका नहीं शायद किसी को लगा होगा, लेकिन जो दूसरी ऑडियो थी उससे काफ़ी लोगों को झटका लगा। पहले मैं आपको वो ऑडियो सुनवाऊँगा फिर उसके ऊपर गुफ्तगू भी आगे बढ़ाएंगे। जस्टिस साकिब निसार उनके साहबजादे की एक ऑडियो लीक हुई है और कह क्या रहे हैं उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, हाँ जी, आपके एफिडेविट सारे रंग में आए हैं। सर मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर, हाँ जी, तो आप बताएं अब क्या करना क्या होगा? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए और ऑब्वियसली क्या सी बात वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोचा थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो देखो मर्जी है तेरी, मर्जी है तेरी, वो रहेगी, लेकिन उनको आज के दिन में मिल जरूर ली बाबा को। बस ऑब्वियसली आज सीधा ही मैं उनको ला रहा है। बस ठीक है, हाँ इंशाल्लाह 12 टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छुपाए, तस्वीर भेजे करें और फिर वो करके करके आए फिर दफ्तर है। ठीक है, ओके ओके। व्हाट्सएप देखो ये बुजुर्ग ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी कोई चीज हूँ। नहीं ये बुजुर्ग ने भेजी, तुम्हें डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबुजर ही भेजा है चीज। मैं इसके ऊपर से आऊँ? आना तो आ जाओ, वैसे तो उसी ने भेजी है। अच्छा तो काम किसने करवाया? के प्योरे तो नहीं करवाया, तो क्या सीन है? कर ले तो बात ना। ओके क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन डिसाइडेड था। हेलो, करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजो नहीं, एक 20 इंच ना लेना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। नहीं इशू कोई नहीं, एक 20 इंच ना लेना सर। ओके मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है। उधर जबान हुई हुई है ना, मैं वहाँ डायरेक्ट हो जाऊंगा और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। कह दो वो ज्यादा बेहतर है, उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। मरियम ने इसके ऊपर आज क्या कहा वो भी सुन लीजिए। जिस शख्स ने नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजीर आजम के दफ्तर से निकाला, आज उसका अपना बेटा 1,20,00,000 रुपया रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। तो आज पाकिस्तान की आवाम ये पूछती है, साकिब निसार साहब बताओ अगर एक टिकट के तुम 1,20,00,000 ले सकते हो तो पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करने के तुमने क्या लिया मुझे बताओ। आज यहाँ फैसले सासों के कहने पे होते हैं, यहाँ फैसले दामादों के कहने पे होते हैं, यहाँ फैसले बेटों की रिश्वतों पर होते हैं। 1,25,25,000 करोड़ में इंसाफ बिक रहा। ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है आज के प्रोग्राम का। जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं सीनियर रहनुमा PMLN से आपको खुशामदीद कहता हूं, और जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब हैं, जस्टिस शौकत साहब आपको खुशामदीद भी कहूंगा। जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब, मैं प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा, उसका एक तारीखी पस मंज़र है। जब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे उस वक्त आपने एक तकरीर की, उसकी तकरीर के बाद कुछ हुआ वो जो कुछ भी वो तो लोगों के सामने है, लेकिन आपकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगा, थोड़ी बातें जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए।
जनरल फैज आपसे कहाँ मिलने आए उस वक्त के DGISI या DGC थे उस वक्त? जी नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने ये अपने प्रोग्राम की वसातत से एक तारीख की हकायक बयान करने का मौका दिया। ये जब पानामा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उसके बाद जब वो डिसाइड हो गया, तो उससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ़ मिसलिनियस पटिशन दरख्वास्तें वगैरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना शुरू हुई, तो ऑल ऑफ ए सडन मुझे डिवीजन बेंच से हटा दिया गया। हालांकि मेरा रोस्टर जो था वो 2017 के दिसंबर तक का जारी हुआ था, तो हालांकि मैं सीनियर प्यूनी जज था, तमाम क्रिमिनल केसेस मैं डिसाइड करता था, नैब के सारे केसेस मैं डिसाइड करता था, मेरे साथ मुख्तलिफ जजेस होते थे, मेरे साथी जो मुझसे जूनियर थे, तो मैंने अपने चीफ साहब से जाके पूछा, मैंने कहा जी ये आप ने मुझसे पूछा है कि मैं DB का काम नहीं करना चाहता या क्या, तो कहते नहीं भाई बस इस पर आपको बात ना करें, ये बस कोई उन्होंने कहा इस पे बात ना करें, जस्टिस अनवर कासी साहब ने कहा इस पे आप बात ना करें बस छोड़ें, आपकी कोई वजह बताई उन्होंने? वजह उन्होंने नहीं बताई। मैंने फिर इन राइटिंग उनको लिखा, मैंने कहा जी कि मैं यहाँ पे क्रिमिनल साइड जजों को बेंच से निकालने वाली, इसका मतलब है रिवाइज जो हम सुप्रीम कोर्ट में अभी डिस्कस कर रहे हैं ये पहले से मौजूद है, हाई कोर्ट में भी ऐसे होता है? जी जी, ये पहले से मौजूद है, और ये सबसे पहले इसका ऑन हाजिर सर्विस होते हुए मैं ही वो पहला शख्स था जिसने इस हवाले से रावलपिंडी बार में ये फैक्ट डिस्क्लोज। जनरल फैज कब आपसे मिले? तो मैं वो आपको बता, तो जब ये फिर केस नैब कोर्ट में आ गया और ऑलमोस्ट जो ये अपने कंक्लूजन की तरफ था, जजमेंट रिजर्व हो चुकी थी, तो वो मेरे पास आए बज़ाहिर। कौन आए? जनरल मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब एज DGC आपके पास? DGC मेरे पास आए, और एक इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के एक ऑफिसर थे, मैं एहतियातन उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके ज़रिए उन्होंने आया, तो उन्होंने ये कहा जी कि वो जो आपने अपारा रोड खाली करने का हुक्म दिया हुआ है ISI हेडक्वार्टर्स को भी, उस हवाले से वो कोई आपके मिलना चाहते हैं, प्लस आपको उम्र की मुबारकबाद देना चाहते। मैं कहा आ जाए। खैर वो इब्तदाई तौर पर उन्होंने वो बात की, फिर अपने एक जो उनका एक उस वक्त सेक्टर कमांडर था ब्रिगेडियर इरफान रामे, उसके रवैये के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने माजरत की, और फिर साथ आगे पीछे की बातें करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये जो हाई कोर्ट में जब नैब कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाए तो हाई कोर्ट में क्या प्रोसीजर होता है। तो मैं कह जी आप किस केस के हवाले से पूछ रहे हैं? ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनकी बेटी का। तो मैं कह उसकी तो अभी जजमेंट नहीं आई, ये अभी नैब कोर्ट में केस चल रहा था, अभी फैसला आने वाला था, फैसला, लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये डिवीजन बेंच में आ जाए तो फिर क्या होगा? हाँ जी, तो मैंने कहा जी उसका तो अभी फैसला नहीं आया। तो उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली कहा, उन्होंने नहीं कहा सर नहीं सर कन्विक्शन तो होनी ही होनी है, अब सिर्फ क्वांटम ऑफ सेंटेंस का जो इशू है वो डिसाइड होना है। तो आप ये बताएं कि ये अगर हाई कोर्ट में आपके पास केस आए तो आप क्या करेंगे? मैं कह जी ये तो अभी एक आप ऐसी बात कर रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताएं ना कि आपने मुझे डिवीजन बेंच से हटवाया क्यों? अभी ज़ाहिर है ये केस डिवीजन बेंच के पास ही आएगा ना। तो ही वेरी कैंडिडली सेड के जी के हमारी लीगल टीम का और नैब के अफसरान का ये ख्याल था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शौकत अजीज सदीकी साहब जो हैं वो डिफेंस थोड़ा प्रो डिफेंस हैं और प्लस क्रिमिनल काम को समझते हैं, तो मेक श्योर करें कि उनके पास कोई केस ना जाए। अच्छा, तो फिर हमने आपके चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब से बात की, उन्होंने आपके चीफ जस्टिस अनवर कासी साहब को कहा इस तरह आपको हमने लहदा कर। वेरी इंटरेस्टिंग, आपको वो बता रहे हैं या आप जिम्मेदारी से बता रहे हैं कि उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके कहा जस्टिस साकिब निसार का कि हमने उनसे बात की, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर कासी से बात की और फिर आपको एडवियर बेंच से हटाया। आपने साकिब निसार से इसकी कंफर्मेशन ली? मैं वो एक आगे लंबी स्टोरी है, मैं थोड़ा छोटा कर लें इसको, हाँ, प्रोग्राम में निकल तो, अच्छा उस पे के बाद ये हुआ कि मैंने कहा जी फिर अब क्या आपको मेरी ज़रूरत पड़गी? वो कहने लगे जी कि हमारे टॉप अर्शनान का ये ख्याल है कि अगर हाई कोर्ट में वो DB केस सुने जिसके को आप हेड कर रहे हो तो इस तरह
वो जो भी जजमेंट होगी उसको थोड़ी क्रेडेंस अटैच हो जाएगी और आप से हम ये एक पाकिस्तान के इंटरेस्ट में एक जो फेवर चाहते हैं और सर कौमी मफाद में कौमी मफाद में या सिक्योरिटी के पेश नज़र। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा देखें जी बात ये है कि मैं शायद वो वाहिद जज हूँ जिसको अगर ये समझ आ गई ना कि नवाज शरीफ का जुर्म बड़ा है और फाइल से भी साबित होता है और सज़ा कम हुई है तो मैं उनको इनहांसमेंट का नोटिस दे दूँगा, लेकिन अगर बात अदरवाइज़ है या कोई इसमें नहीं है ऐसी चीज़ तो किसी की दुनिया बनाने या बिगाड़ने के लिए मैं अपनी आकबत नहीं ख़राब कर सकता। तो इस पर फिर उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा था फैज़ हमीद साहब ने कि सर इस तरह तो हमारी दो साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी, इस तरह हमारी दो साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। ये तारीखें याद है किन तारीखों में मुलाकात हुई थी? ये बट आई रिकॉल इस में वैसे लिखा हुआ रिकॉर्ड का सब्जेक्ट टू करेक्शन है 19 जून है या 24 जून है कोई इस तरह की। वो दो मुलाकातें हुई आपकी उनसे? दो दफ़ा होंगे। आपके घर पे हुई? मेरे घर पे आए थे। और आपके लिए इंसेंटिव क्या था उसमें? मुझे इंसेंटिव उन्होंने ये कहा जी कि देखें हमारे तो एक दो ही केसेस होते हैं तो हम आपको सितंबर में ही एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देते हैं, 26 नवंबर 2018 को वैसे ही मैंने बनना था तो उसमें आप वैसे कंफर्म हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे तो आपके चीफ को हम मेडिकल ग्राउंड पे भिजवा देते हैं। और कभी अनवर कासी साहब से आपने बराह रास्त ये इशू डिस्कस किया? जनरल मैंने किया था उनसे डिस्कस। तो उन्होंने क्या बोला? बस वो जब मैंने उन्हें कहा था सर कि ये इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उन्होंने मुझे कहा था भाई चुप करके करते जाएं कोई बात, चुप करके करते। हाँ ऊपर वालों का भी यही हुक्म है कि कुछ नहीं। ऊपर वालों से मुराद सुप्रीम कोर्ट का भी यही हुक्म है कि करते जाएं। हाँ कि कुछ छेड़छाड़ ना करें। और मैं इस पर तारिफ फजल साहब से पूछ लूँ, मैं साकिब निसार वाले इशू पर दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। सर ये काफ़ी शॉकिंग है मेरे लिए कि इस तरह जाके एक जज से फरमाइश की जा सकती है। हमने तो सुना था कि जज से इस तरह की फरमाइश की जाए तो कंटेम्प्ट लग जाती है, आप नौकरी से जाते हैं, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाइए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब कहानी इंटरेस्टिंग भी है और कहानी बहुत खौफनाक है क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो हैं मतलब जज बनने से पहले कि मैं जानता हूँ क्रेडिबल शख्स हैं और उन्होंने कहा कि मैं ऑन ओथ ये बात कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि उसमें फिर कोई शक की गुंजाइश रह नहीं जाती। और ये सारा तो वो तसलसल है कि किस तरह इन केसेस को के ऊपर असरानंदाज हुआ गया, कौन कौन हुआ, और उसके बाद आप देखें ये कि मतलब फिर एक साल से तो आपकी हुकूमत है लेकिन बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि चीज़ों को इतना बड़ा हम फैला लेते हैं तो उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए। बड़ा सीरियस चार्ज है ना। तो एक साल से आप लोग हुकूमत में आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि साथ ऑन ऑफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप रिकॉर्ड करवाइए जो आगे। यहाँ थोड़ी सी तस्वीर मैंने इस हवाले से एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है सर हुकूमत को, और मैंने खुद रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट से जी कि आप इस वाक्य की जो है ना कमीशन बैठा के इंक्वायरी करवाएं। सर पार्लियामेंट्री एक इंक्वायरी कर लें तो करें। मैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही, मैं ऑफर कर आप तो आप राजी होंगे? मैं 100% मैं राजी हूँ, मैं इनको ऑफर करता हूँ, जहाँ मुझे बुलाना है बुलाएं, मैं ऑन ऑथ स्टेटमेंट दूँ। सर ये स्टेटमेंट होनी चाहिए ताकि तारीख दुरुस्त हो। कर रहा हूँ कि वैसे तो दी हुई है जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, जैसे ही बता रहे मुझे पता है इस बात का कि उन्होंने जमा कराई हुई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो खौफनाक पूरी कहानी है ज़रा इसकी इंटरप्रिटेशन आप प्रैक्टिकली देखें कि वो कैसे हुई, मियां नवाज शरीफ को सज़ा कैसे हुई, उसके बाद जो उनके ऊपर एक वो कौन से जज उनके ऊपर जो जज बशीर साहब थे ना जब इनसे मिले फिर बाद में जज अर्शद मलिक जज पाकिस्तान की तारीख में कभी वो तो सुप्रीम कोर्ट के थे, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज जैसे जिस तरह फिर इस केस का फैसला थे ना सर। जी जी वो थे। तो आप मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं दी गई या मरियम नवाज को जो सजाएं दी गई उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है, उन फैसलों की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है कि अगर मैनिपुलेशन हो रही है नैब में भी और फैसला होने से पहले मैनिपुलेशन हो रही है हाई कोर्ट में और साथ ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी बात हुई है और जो उस वक्त चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब वो भी ऑन बोर्ड है। अगर ये नेक्सस मौजूद था तो नवाज शरीफ को जो सजाएं हुई हैं, मेरे सबसे बड़ा सवाल ये है मरियम को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया, नवाज शरीफ का भी कोई रास्ता आगे चल के अदालती मामला हो जाएगा, लेकिन एक जज जो इसका ये फैसले मशकूक, एक जज जिसके ऊपर सारा बोझ पड़ा, मेरी आपसे दरख्वास्त है आप हुकूमत अपनी को तजवीज़ दीजिए, आप अकेले तो फैसला नहीं कर सकते, पार्लियामेंट्री कमीशन बनाए, इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, तारीख तो दुरुस्त करें। मौजूद है और ये इस तरह का केस है कि ये मेरा ख्याल है कि फौजदारी सारे लोग हयात हैं, बयान तो रिकॉर्ड, लेकिन बहरहाल इसको मंत्री अंजाम तक जरूर पहुँचाया जाना चाहिए और
बिल्कुल जो आपकी बात है, मैं अपनी इंशाल्लाह बात भी करेंगे और ये बहुत सारी बातें तारीख दुरुस्त होनी चाहिए। एक चीज़ और इनसे पूछ लें, क्योंकि जो साकिब जस्टिस साकिब निसार उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका बिल्कुल मजाक में ही कुछ तस्करा तो नहीं कर सकता कि बात होगी। अनवर कासी साहब भी कह रहे हैं कि ऊपर से भी हुक्म है, और जनरल फैज भी आपको कह रहे हैं कि उधर से भी ऐसी बात है। आपने कभी खुद से उनसे क्रॉस चेक किया और पूछा हो कि क्या मामला है? मैंने नदीम साहब 3 दफ़ा कोशिश की उनसे ना टाइम लेने की, और हत्ता के मैंने ये भी जरूरत की कि उनके सेल फोन पर भी रिक्वेस्ट की कि मुझे टाइम दे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने टाइम मुझे नहीं दिया। वहाँ से अब उनके जहन क्या है वो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। गालबन ये 13 जुलाई 2013 की बात है, जिस दिन मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बेल डिक्लाइन की थी, और आपको फिर पता ही होगा कि उसमें वो फिर इनिशियली अरेस्ट भी हुआ, फिर वो कमांडोज छुड़ा के ले गए, और फिर उनका शहजाद चक शहजाद वाला घर जो है वो सब जेल करा दिया। उसे नेक्स्ट डे हमारी वो एक लॉ कॉन्फ्रेंस थी, इफ्तिखार चौधरी साहब उस दौर में चीफ जस्टिस वो किया करते थे, और वो जुमे वाले दिन शाम को डिनर से शुरू होती थी। तो हम जा रहे उसमें कॉन्फ्रेंस में, तो इतफाक़ से हमारे उस वक्त के चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुररहमान साहब और साकिब निसार साहब इकट्ठे हो गए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि जी ये कौन है जी आपका शौकत अजीज सिद्दीकी? तो उसने कहा ये सर पीछे आ रहे हैं। तो इन द मेन टाइम हम वो पिंडाल में पहुँच के सीढ़ियों पर, तो इन्होंने मुझे इस तरह देखा और मुझे कहते हैं ओए आराम से चलो ना, क्यों सबकी नौकरियों के पीछे पड़ गए? अच्छा मैंने, उन्होंने कहा आराम से चलो, क्यों सबकी नौकरियों के पीछे पड़ गए? इसलिए कि आपने एक फॉर्मर, मैंने मतलब परवेज मुशर्रफ बेल डिक्लाइन कर दिया। बेल डिक्लाइन करने की जरूरत क्यों की? जाहिर वो स्टेटस को के जो हामिल हो गए उनको हम जैसे जो उनके नजदीक मैं जरूरत से ज्यादा इंडिपेंडेंट जज था, इसलिए मुझे उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। खैर वो मैंने कहा कि मैं कह सर हम अभी तक नौकरियों को ही देख रहे हैं, पाकिस्तान को भी देख लें। खैर उन्होंने इस बात का बहुत बुरा मनाया। इन द मेन टाइम में इफ्तिखार चौधरी साहब आ गए, वो उनकी एक आदत थी बहुत अच्छी कि वो सब मेहमानों को मिला करते थे टेबल्स पे जा। उन्होंने मुझे दूर से देखा तो मुझे कहते हैं उस दिखी यार ये जो तूने कल काम किया है ना, ये मेरे समय सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी नहीं कर सकता। ये इफ्तिखार चौधरी, इफ्तिखार चौधरी साहब अब ये सुन रहे थे। इनको बड़ा बुरा लगा कि मैं इसको जो है वो रेप्रीमांड कर रहा हूँ और चीफ जस्टिस उसको अप्रिशिएट कर रहा है। तो उन्होंने ना उस दिन से मेरे नाम के नज़दीक साकिब निसार साहब ने ना एक मार्क लगा लिया, काटा लगा दिया, काटा लगा दिया। और जाहिर है जो इस तरह के उनके मिजाज है वो जाहिर है जी। ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगना है हुकूमत ने, वो जो उसको नोटिस के हवाले से नई कानून साजी की है 2 मई है, तो ये कलेक्शन वाला मामला पहले है, तो अभी मालूम नहीं क्या होता है। कौमी असम्बली का इजलास भी जल्दी तलब कर लिया गया, क्योंकि ये जॉबी कार्रवाई और मुकाबला अभी ख़त्म नहीं होना, इसीलिए मुझे अंदेशा है कि कहीं ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए जो पाकिस्तान के लिए नुकसान का मजीद सबब बने। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, कल जो केस लगा हुआ है, कल कौमी असम्बली भी आपने बुला ली है, तो क्या अभी ये मैच चलेगा ऐसे जैसे पिछले कई दिनों से चल रहा है? मेरे सर मैच की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो इस मतलब सुप्रीम कोर्ट की तारीख के लिए नहीं, वो तो पिछले हफ्ते भी इजलास होता रहा और फिर बीच में जो छुट्टियां थी उसमें गैप आया है, तो इजलास तो एक रूटीन की कार्रवाई है, असम्बली का चल ही रहा है। लेकिन जिस सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं या आपने प्रोग्राम के इंट्रो में अपनी बड़ी तफसील से बात की है, मैं ये कहूँगा कि अगर एक लाइन में इसके हल की बात करें ना, क्योंकि सारी तो प्रॉब्लम्स हमने बताई हैं कि ये मसले चल रहे हैं, सलूशन क्या है? सलूशन इसका ये है कि आईन में जिस जिस का जो जो इख्तियार लिखा हुआ है उसके अंदर आके काम करें, कोई तकलीफ नहीं होगी ना। सर ये तो बड़े एक आइडियल सिनेरियो की बात कर रहे हैं ना, उस आइडियल सिनेरियो से हम बहुत दूर जा चुके हैं। अभी आपकी लड़ाई है और वो सीधी मरियम के आके बयान देखें तो नज़र आ रही है, लेकिन सम हो आपकी पीडीएम के अंदर भी मरियम टेक ऑन कर रही है जुडिशरी को, इज इट अ स्ट्रेटजी? नहीं, जुडिशरी को टेक ऑन करने की बात नहीं है मलिक साहब, नाम लेके किसी जज को कहना, मुजाहिरा लेकर आज भी उन्होंने नाम लिया। अभी जो जस्टिस साहब ने जो बातें, जस्टिस साहब कह सकते हैं उनको, वो तो इस जुल्म का निशाना बने ना, इसलिए वो कह सकते हैं। नहीं, मैं आपको, लेकिन एक पॉलिटिशियन जो अभी पार्लियामान का हिस्सा भी नहीं है वो नाम ले रही है, आप पार्लियामेंट के अंदर से वजीर आजम से तकरीर नहीं सुनी? हाल अंदर ये चल रही है जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बता रहे हैं और आपके इल्म में हो तो मतलब सिर्फ नाम नहीं लेना, सियासी लोगों को आप फांसियां लगा दें, सियासी लोगों को आप जनाब
इन केसेस पे जिनका अभी जस्टिस साहब खुद एनी गवाह मौजूद हैं शवाहिद के साथ, उन पे आप प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दें, उसकी बेगुनाह की बेटी को पकड़ लें, दो दो दफ़ा जेलों में डालें, सिर्फ नाम नहीं लेना। क्यों क्यों नहीं नाम लेना? कोई ऐसी बात नहीं है, नाम लेना चाहिए, बताना चाहिए। तीन केसेस हैं यही कर रहे हैं, एक 63A का फैसला, फिर ये अजखुद नोटिस जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, जिस पे तीन रुकनी बेंच के ऊपर मरियम बार बार नाम ले रही है, और लेकिन इंटरेस्टिंगली उसी तीन रुकनी बेंच ने वो अजखुद नोटिस वाला केस भी सुना है। 63A क्या दुरुस्त फैसला है या गलत फैसला है? ऑनेस्टली मैं समझता हूँ जी कि वो गलत फैसला है, और वो जो एक इख्तलाफी नोट था री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ऐसे ही आप भी यही समझते हैं? बिल्कुल मैं समझता हूँ। और जो अजखुद नोटिस की समाप्त हुई, जो CCPO लाहौर का केस था, अजखुद नोटिस वाली, तो अब देखें मैं ये सोच रहा था कि वो जिस बंदे की पटिशन थी वो रिटायर हो गया, डोगर साहब, वो डोगर साहब, अच्छा वो फैक्चुअली तो उनकी पटिशन तो वो खुद इनफ्रैक्चुअस हो गई थी, उसमें से जो सरफेस हुआ सुओ मोटो नोटिस वो जो है वो अब चल रहा है। अब जब तक 7 से ज़्यादा जज साहिबान ये फैसला ना करें कि उसमें 4 जजेस की जो ओपिनियन है वो जजमेंट है या 3 जजेस की जो जजमेंट है वो ओपिनियन है, उस वक्त तक तो ये मामला आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप भी समझते हैं ये तनाज़ा है 4-3? बिल्कुल, ये बड़ा सीरियस था। आप जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आप भी समझते हैं ये तनाज़ा है तनाज़ा? देखिए मैंने अपनी हद तक अगर एक जजमेंट दे दी है, मैं ये कहता हूँ कि ये पटिशन फर्दर प्रोसीडेबल नहीं है, मेरी तो वो जजमेंट होगी, मैंने वो पटिशन खारिज कर दी, उसके बाद मैंने क्या उसके में लिखना है, मैंने तो वो खारिज कर दी है। अब जो कहते हैं ये जिस इसका इखराज नहीं होना वो आगे बढ़े हैं ना, वो तो 3 है, तो फिर तो आप वो पोजीशन ले रहे हैं जो आजम नजीर तारर ले रहे हैं या राणा सनाउल्ला ले रहे हैं, वो कहते हैं 4-3 का फैसला हम तो देखिए ये मैं पॉलिटिकल बात मैं नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं एक ऑनेस्टली एक लीगल बात कर रहा हूँ कि ये 4-3 का ही फैसला है, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को फुल कोर्ट बनानी चाहिए थी, और उसमें चाहे जो भी फिर नंबर होता वो इकरार दे देते जिन्होंने ये फैसला किया है 7 के, उनके अलावा बिठा देते उनको कि ये आप डिसाइड करें जी ये 4 का फैसला है या 3 का। सर लेकिन इस दौरान एक और केस हुआ जस्टिस फायजी साहब वाला, माजरत के साथ इनसे रिलेटेड आज बहुत से सवाल आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जस्टिस फायजी साहब वाला मामला आया, जस्टिस फायजी साहब ने बेंच से वो फैसला दे दिया, 2-1 से फैसला आ गया, उसके ऊपर उन्होंने पहले नोटिफिकेशन से फैसला सस्पेंड कर दिया, फिर पूरा बेंच बिठाया, पूरे बेंच ने बिठा के उनका फैसला उड़ा दिया। देखिए वो अब वो बेंच बिठाना क्या है, वो रिव्यू में बिठाया, कोई इंडिपेंडेंट पिटीशन बिठाई? अगर आपने वो रिव्यू किया है ऑर्डर काजी फायज ईसा साहब का, तो जब तक वो तीनों जज साहिबान उसमें बैठे ना तो वो तो रिव्यू तो हो ही नहीं सकता, दे आर अवेलेबल ऑन द बेंच, अनप्रेसिडेंटेड फैसला। ये तो देखें ये रिव्यू की बेसिक ये चीज़ है कि अगर आप वो जज साहब जिन्होंने वो ऑथर किए जजमेंट उनका तो होना लाजमी है, और फिर जो उनके साथ हैं अमीनुद्दीन साहब उन्होंने भी बैठना है, शायद वही साहब ने डिसेंट किया है उन्होंने भी बैठना है, तो उन दोनों को बिठाए बगैर तो वो फैसला जो 8 जज साहिबान है या 5 जज साहिबान है जिन्होंने भी किया 6 ने किया वो तो वैसे ही अनप्रेसिडेंटेड। सर कुछ तरीके से नहीं मामला तो रहे, जो 4 से 3 जज रह गए थे 3 जजेस ने अब वो पुराने अजखुद नोटिस को साइड पर छोड़ दिया और शाह खावर की एक पिटीशन के ऊपर इनको बोला आपस में बातचीत करो। देखिए मैं नहीं समझता कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि वो मेडिएशन करवाए। देखें अगर वो ये ऑनेस्टली समझते हैं कि 90 डेज मीन्स 90 डेज, तो फिर किसी भी सूरत में वो क्रॉस नहीं होने चाहिए। क्रॉस हो चुके हैं 14 वो ऑलरेडी हो चुके तो पकड़ के इनको फिर बंद कर। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 254 ऑलरेडी इन्वोक हो चुका है जो ये कहता है कि अगर एक स्पेसिफाइड पीरियड के तहत जो है वो काम नहीं होता, कोई आईनी शर्त पूरी नहीं होती तो लिमिटेशन के अंदर, तो वो होने के बाद वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा। इसका मतलब तो ये सीधा साधा हो गया कि ऑलरेडी खुद उस आर्टिकल को ये ऑनरेबल जजेस जो हैं वो इन्वोक कर चुके हुए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन एक्चुअली इनका जो पहला फैसला था जिसमें इन्होंने कहा 14 मई या 30 अप्रैल का दिया, उसने उसको जस्टिफिकेशन उसकी 254 की ऑलरेडी दे दी हुई है। जी जी वो यही बात है, असल में तो सारा तनाज़ा 4 अप्रैल वाले फैसले का ही है ना जी, उसकी वजह से ही ये सारे मसाइल पैदा हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी अगेन यही पूरे एहतराम के साथ, क्योंकि इसमें भी फुल कोर्ट बैठ के इस इशू को डील करती,
तो अभी जिस प्रेशर में चीफ जस्टिस साहब या उनके दो बाकी साथी हैं वो ना होते, ये शेयर होता। तारिक फजल साहब से पूछते हैं, तारिक फजल साहब जो टॉक्स वाला प्रोसेस है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस लड़ाई में हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए था, आप लोगों की बातचीत का रास्ता था, लेकिन चलो उनके कहने से बातचीत शुरू हो गई, बातचीत करके कुछ नतीजे पर पहुँचाएंगे या इसी तरह ही आगे चलाएंगे? मैं सब जो पार्टियाँ बैठी हैं मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भले उसमें फैसले में उन्होंने कल आपकी टॉक्स भी होनी है ना, मंगल के दिन आपकी टॉक्स भी दोबारा होनी है, लेकिन ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें बड़ी नेक नीति के साथ हम इस ये बातचीत कर रहे हैं। और 14 मई को इंतखाबात कराने के लिए पूरा ख्याल ये है कि देखिए इंतखाबात 14 मई को, तो अभी जो सारी जो गुफ्तगू हो रही है, जो फैसलों की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर कोई हमने ये नहीं कहा कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम सर 14 मई तो आप फैसले को नहीं मानते, 14 मई तो अब गई, आज 14 मई है, सिर्फ वही 14 मई को कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसा फैसला जो कि माइनॉरिटी जजेस का फैसला है वो हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश ना की जाए, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर इलेक्शन एक दिन होंगे तो ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं, हमेशा के लिए आपके मुल्क के मसाइल हल होंगे, वरना ये जब भी इलेक्शन पंजाब में आपने तजवीज़ क्या दिया पीटीआई के साथ बातचीत में बैठे हैं क्या? अभी तो बहुत सारी बातें जो हैं वो जाहिर है बातचीत के मरहले में हैं, चीज़ें आगे बढ़ी हैं, सीनियर मोस्ट हमारे लीडर्स उन मुज़ाकरात में शामिल। जो हमारी अभी तक तासुर यह है कि पीडीएम चाहती है कि ये बजट अनाउंस करे, 30 जून तक बजट पास हो, IMF ऑन बोर्ड आ जाए, उसके बाद केयर टेकर आ जाए और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करा दें, वो एंड सेप्टेम्बर की या अक्टूबर के अवाइल में कोई एक तारीख बन सकती है। तो इसके ऊपर आप उस तजवीज़ के ऊपर बात करें, लेकिन पीटीआई वाले चाहते हैं कि नहीं, एज सून एज पॉसिबल आप घर जाएं, केयर टेकर्स आके बजट पेश करें, ये दोनों के दरमियान में एक इशू है जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है। चीज़ें चल रही हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अभी वक्त से पहले इन्हें रोशनी नहीं डालना चाहिए, रोशनी डालना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन बहरहाल खैर की खबर होगी और गुमान अच्छा रखना चाहिए, इंशाल्लाह कोई बेहतर नतीजा निकलेगा। सर दुआ ही कर सकते हैं वैसे, अभी तक की सूरत हाल में ना आपसे ना पीटीआई से और ना जुडिशरी की तरफ से कोई बेहतरी वाले असार या रवैये में कोई बेहतरी वाले असार मुझे नजर नहीं आए, सारे लोग काबिल एहतराम हैं लेकिन लड़ाई की तरफ सारे बढ़ रहे हैं। जस्टिस साहब एक चीज़ और आपसे पूछनी, ये जो कल वाला केस है, ये वो जो इन्होंने अजखुद नोटिस के हवाले से नई कानून साजी की है उसके ऊपर है, एंटीसिपेटरी ऑर्डर था उसको सस्पेंड करने का, हमारी तारीख में सिर्फ एक वो हसबा बिल वाला केस है, गवर्नर साहब के सदर साहब की तरफ से वो रेफरेंस आता है, सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप कर लेती, किसी कानून के ऊपर मुझे नहीं याद है कि कभी ऐसा हुआ हुआ क्या, ये क्या दुरुस्त कदम था या उसको कानून बन जाने देते फिर टेकअप कर लेते? रखिए ज़्यादा मुनासिब तो यही था कि वो इनैक्टमेंट हो जाती, नोटिफाई हो जाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपने जो रिस्ट्रिक्शन एज्यूम करनी थी तो कर सकती थी, क्योंकि ऐसा एक बहरहाल एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास खुद ये इख्तियार है कि वो अपने रूल्स वगैरह बनाए, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं 1980 के बने हुए, उसमें अमेंडमेंट तजवीज़ की जा सकती थी या इस तरह का मामला किया जा सकता। एक आपकी वसादत से मैं एक और बात ये करना चाहूँगा, देखें बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर ये इस बात को मुनासिब नहीं समझता कि पार्लियामेंट किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो रेजोल्यूशन पास करे या कहे कि हम नहीं मानते, ठीक है, उसमें एक लीगल वे था और उसमें वो अडॉप्ट करने के बाद स्टैंड उस पर लिया जा सकता था, वो रिव्यू फाइल करते इस ऑर्डर के अगेंस्ट, के 14 मई के इलेक्शन वाले ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू फाइल करते और उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करते जी कि आप इसको फुल कोर्ट के सामने रखें, वो एक बेहतर तरीका था। अब अगर ये एक ट्रेंड भी बहरहाल शुरू हो गया, ये नेगेटिव है और ये उस अदालत की तबाही करने के मुतरादफ है कि उसके किए हुए फैसले को कहेंगे हम नहीं मानते। हाँ जी देखिए, लेकिन सर इसमें एक एक कन्फ्लिक्ट आता है ना सामने, आप कहते हैं ये 4-3 का फैसला, वो तो 3-2 का फैसला मानते ही नहीं है ना, आपने भी कह दिया कि जज ने भी कह दिया, काजी फायजी साहब ने कह दिया, जस्टिस मंसूर ने कह दिया और जस्टिस अदम निल्ला ने कह दिया। रिव्यू में ना एक ग्राउंड होनी चाहिए थी जी कि ये जो फुल कोर्ट है इस इशू को भी डिसाइड करे, सबसे पहले इसी इशू को टेकअप करे, अगर वो सबसे पहले जो जाहिर है हमारे लॉ में होता है कि जो लीगल पॉइंट्स हैं या जो इशूज होते हैं उनको पहले प्रिलिमिनरी इशू के तौर पर, आपकी बात दुरुस्त है लेकिन यहाँ एक दोबारा सवाल मेरे जहन में आता है कि ये 3-2 वाले बेंच के सामने ये रिव्यू फाइल करते, 3 रुकनी बेंच के सामने या वो जो 4 जिन्होंने अक्सरीती फैसला दिया था उनके सामने ये फैसला देते हैं, दरख्वास्त देते हैं? देखिए रिव्यू फाइल करते वक्त तो जाहिर है वो बेंच करनी डिसाइड हो सकता कि जी ये 2 रुकनी बेंच के पास है या वो, तो जाहिर चीफ जस्टिस उसमें साथ एप्लीकेशन मूव की इस्तदा की जा सकती है, ये जो इशू है इसमें चूंकि 4 जजेस का एक व्यू है और
तीन जजेस का एक व्यू है, रिव्यू में फिर कम वो सातों कम से कम बैठ सकते हैं। ये एक है काजी फैज ईसा साहब वाले केस में ये होल्ड हो चुका है कि अगर जो अदरवाइज जजमेंट दे चुके हों कन्फ्लिक्टिंग वो सारे बैठेंगे, तो इसका मतलब है ये कम से कम सात जजेस जो है वो तो बैठते ही बैठते हैं। काजी फैज ईसा के अपने केस में नहीं वो जज बैठे, काजी फैज ईसा का भी दो एक वाला जो मामला था ऑलरेडी उनके हक में फैसला दिया हुआ था। सर आप रिव्यू में क्यों नहीं गए? देखिए मेरे साहब जाहिर है ये एक कानूनी आप ये कहें कि स्ट्रगल है या कानूनी मामला और नुकता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ इन दो नकात की जिनकी बड़ी तफसील से भी आज आपके प्रोग्राम में बात हुई है और रोज़ ही हो रही है जब से ये सारी कहानी शुरू हुई है 4-3 वाली, तो हमारा मौक़फ 4 वाला वो बड़ा वाज़ह एक मौक़फ है और उसी फैसले को हम सही मानते हुए उसके मुताबिक चल रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर आपको ये चॉइस हो कि मैं तो 4 वाला मानूंगा 3 वाला नहीं मानूंगा, फिर तबाही का रास्ता है ना, वो इसलिए उनकी तजवीज़ दुरुस्त है कि आप रिव्यू में जाते हैं। नहीं है कि आप 4 वाला या 3 वाला माने, फैसला देख के नहीं तादाद देख के। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमेशा बेंच में मेजॉरिटी जजेस का सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना सर, ये काम सुप्रीम कोर्ट का करने समझा जाता है, तजवीद उनकी सही है, सुप्रीम कोर्ट से ही इसका फैसला लेना है। जो रिव्यू वाली बात आपने की है तारिक साहब, सॉरी मैं सिर्फ काट रहा हूं, एक जुमला मैं कह दूं कि हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने और हमारे वकला की टीम ने दस्त बदस्ता बहुत पुरजोर तरीके से इस पॉइंट के ऊपर बहस भी की, रिक्वेस्ट भी की, सब कुछ किया कि फुल कोर्ट को ये मामला सुनना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा पीडीएम में कि फुल कोर्ट को ये मामला सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने वो डिमांड नहीं की, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। बकायदा उसमें टाइम लिया कोर्ट ने कि हम इतनी देर बाद रिव्यू फाइल कर देते तो अच्छा था, लेकिन वो उसको रद्द कर दिया गया। गालबन किसी हेयरिंग में मैं जो मुझे याद पड़ रहा है मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑब्जर्व भी किया, रिव्यू वाली ऑप्शन फाइल नहीं किया गया और जाहिर है उनकी शायद एक इंडिकेशन थी कि आप कर ले, उनको भी तो एक सिचुएशन से निकालना है। सर उनको सिचुएशन मिली है सर, ये शाह खावर वाली जो पिटीशन थी ना ये बेल आउट ही है मेरे ख्याल में, अदरवाइज तो वो सुप्रीम कोर्ट इतनी मुश्किल में आ गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया इस सियासी तनाजे में आके। अब इस शाह खावर वाली पिटीशन से उन्हें फेस में सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना ही नहीं चाहिए था। मतलब ये मेरी ये एक राय है, लेकिन अब देखिए ये भी बैरल नहीं हो सकता कि भाई मेरे खिलाफ जजमेंट आए तो मैं कहूँ कि जी मैं नहीं मानता। ठीक है, देखें जिस दिन जजमेंट ये अनाउंस हुई उस दिन कोर्ट में 3 जजेस थे और उन्होंने कहा जी कि हम ये फैसला कर रहे, 5 जजेस थे, 3 जजेस फेवर में, 2 एंटी उसमें वो थे, तो रिव्यू भी अब उन्हीं के पास जाना था जो पहले फैसला दे चुके हैं, तो इसलिए ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा एक टेक्टिकल जो है ना वो मिस्टेक हुई है गवर्नमेंट से, तारिक साहब की लीगल टीम से। एक सर और पूछ लो आपसे, कल वाले केस में इन्होंने हुकूमत की पोजीशन यह है कि हमने लॉ पास कर दिया, गजट नोटिफिकेशन भी हो गया, सदर साहब ने किया नहीं था, दिन पूरे हो गए, पार्लियामेंट ने दोबारा कर दिया, तो कल क्या गजट नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट मुअत्तल कर देगी? देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार तो है, और फिर आप ये जहन में रखें कि आर्टिकल 187 के तहत इन ऑर्डर टू डिस्पेंस जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, ठीक है, उसके पास बड़े वसी इख्तियार हैं। तो कल एक लाइकलीहुड है कि इनका गजट नोटिफिकेशन मुअत्तल करके तो वो प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा दें, उसको टेकअप कर लें, उसको आगे बढ़ा दें, और साथ ही मतलब जाहिर है पहले से अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ है 27A का, क्योंकि वायरस चैलेंज हुई हुई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कल इस केस में कोई फैसला मतवक्को है, क्योंकि अभी ये बड़ी इनिशियल स्टेज केस है, चलेगा अभी, लेकिन वो गजट नोटिफिकेशन कल माइकस मुकरर करना है, वो भी जज साहब ने बताया, चीफ साहब ने बताया था कि माइकस मुकरर, लेकिन इसी में सुप्रीम कोर्ट में काजी फैज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन एक फैसला भी दे चुके हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आसानी से इस मामले में आगे बढ़ नहीं सकती। देखिये अब वो एक अगेन जितने भी मसाइल सुप्रीम कोर्ट से फंबल हुआ या एक नेक नीति से कोई काम कर रहे थे उसमें ये आगे, इन सब का हेल्पफुल कोर्ट है, ये जितने भी सर नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन बाज़ मामलात में खासतौर पर सियासी मामलात में हाथ नहीं डालना चाहिए, कोर्ट खुद मुश्किल में डाल जाती है। तारिक फजल साहब क्लोजिंग रिमार्क्स, आप कल पार्लियामेंट से क्या तवक्को रखें, पाकिस्तानी लोग कल क्या रखेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के मामले में? देखिए सुप्रीम कोर्ट के मामले में पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ अपना वो इख्तियार
जो कि पाकिस्तान के आइन ने उसे दिया है उसको इस्तेमाल करेगी। हम किसी के इख्तियार में ना जाएंगे, ना किसी के डोमेन में जाएंगे और ना किसी इदारे की खुदा ना खास्ता हम कहेंगे कि जनाब इस इदारे को हम नहीं मानते, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो। सर आपकी किसी एक्शन से भी सुप्रीम कोर्ट को अगर कमज़ोर पड़ती है ना तो पाकिस्तान का नुकसान है, जजेस को भी और आपको दोनों को रियलाइज करना, सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन देखें अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी अंदर की लड़ाई से और अपने अंदर की कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट से अपने इदारे का नुकसान करती है तो पार्लियामेंट तो नहीं बचा सकती उसे, खुद सोचना चाहिए। बचा सकते हैं आप फिर भी? नहीं देखें हम तो बचाने की कोशिश इसलिए करेंगे कि ये जो इदारे होते हैं इनके ऊपर जो लोग, जो आपने शुरू में प्रोग्राम में कहा कि अल्लाह ने बहुत इज्जत दी होती है, ये मखसूस मुद्दत के लिए होते हैं, लेकिन इदारों ने और मुल्क ने रहना है, इदारों ने रहना है उनकी इज्जत और तकरीम के लिए, जो हमसे हो सका हम जरूर करेंगे और करना चाहिए। तारिक फजल चौधरी साहब, जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।